अपवित्र अनुभव किया गया। मैंने क्या उपयोग एकदम खाली सबसे खाली होने पर भी उसमें किसी का मिश्रण किसी की मिलावट स्वीकार की गई। मिलावट मना शुद्धता, यद्यपि मिलावट होती नहीं पर मिलावट मानी जाती है। होती नहीं मिलावट, दूध में पानी की मिलावट होती है, दूध में पानी मिलता है, लेकिन जो बेईमान है वो ये मानता है कि दूध में पानी मिलता है, ऐसा मानता है वो, तब वो एक इस भाव के अनुसार उस तरह की अनाचार रूप प्रवृत्ति होती है, लेकिन मिलता कभी भी नहीं है। इसी तरह कुछ पेचीदगी भी है, बात थोड़ी पेचीदगी है इसमें। ज्ञान ने अपने भीतर जो राग का मिश्रण माना अथवा किसी दूसरे पदार्थ का किसी दूसरे भाव का मिश्रण माना जाना, तो क्या मिश्रण हुआ? नहीं हुआ, मिश्रण नहीं हुआ, तो फिर उपयोग पवित्र रहा या नहीं रहा? मिश्रण तो हुआ नहीं, तो उपयोग पवित्र रहा नहीं रहा, तो उपयोग अपवित्र हो गया। पवित्र को इस रूप में तो रहा कि मिश्रण नहीं हुआ, मिश्रण नहीं हुआ इस रूप में तो पवित्र रहा वो, लेकिन उसने मिश्रण अनुभव किया तो वह अपवित्र अर्थात मिथ्या ज्ञान हुआ नहीं हुआ। मैत्रानी का जो टोकरा होता है ना, मैत्रानी जो रोटी मांगने आती है उसमें अगर दाल का हलवा पड़ा हो और किसी का मन चल जाए उस पर, तो मिल तो नहीं सकता है, मिल तो नहीं सकता है, लेकिन उसका मन उस पर चल गया कि मन पवित्र रहा नहीं रहा है, और मन को मिला हलवा, हलवा मुंह को मिला नहीं मिला, तो नहीं मिला यहाँ तक पवित्र तो रहा वो, लेकिन इसने तो मिलावट, इसने तो मिश्रण, इसने तो अपने आप को उसे खाने योग्य जाना ना, तो यह अपवित्र हो गया। इसी तरह उपयोग जब खालिस नहीं रहता है, खाली है उपयोग का स्वभाव, खाली रहना और निरंतर अपने से अपने स्वरूप से आनंद से भरा रहना, ये काम उपयोग का है। उसको भूल कर जब वह मिश्रण अनुभव करता है तो मिथ्या ज्ञान हो जाता है, गंदा हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। ये बात कही थी ना आपने, उसने क्या कहा कि जीव किसी दूसरे से संबद्ध न होने पर भी किसी दूसरे जीव के जीवन से अपना संबंध मानता है और तब हिंसा और अहिंसा का भाव पैदा होता है। दूसरे जीव के जीवन से अपना संबंध मानने पर हिंसा और अहिंसा का भाव पैदा होता है। दूसरे के जीवन से अपना संबंध न माने तो मैं किसी को सताऊं, किसी को मारूं अथवा किसी को बचाऊं, ये भाव होगा नहीं, भाव से ममत्व टूट जाएगा। इतना होने पर भी एक जीव का जीवन दूसरे के अधिकार में नहीं है, वह किसी को मारता भी नहीं, वह किसी को बचाता भी नहीं, ऐसा अध्यात्म का पवित्र और उच्चतम उपदेश होने पर भी जो अज्ञानी हैं वे इसका यह अर्थ निकालते हैं कि अगर मरता नहीं है तो मारने में क्या दोष है। जो मरता ही नहीं है जीव, मारने में क्या तकलीफ, तो मारने में पाप कहाँ हुआ, क्यों मरता तो है ही नहीं, तो मारा जाए तो पाप हुआ नहीं हुआ। इस छल का निराकरण 166वें कलश में आचार्य करते हैं। उपरोक्त भावार्थ में कथित आशय को प्रकट करने के लिए व्यवहार नीति प्रवृत्ति कराने के लिए काव्य कहते हैं। तथापि न निरर्गलम् चरितनिष्यते ज्ञानिनां तदायतनमेव सा किल निरर्गला व्याप्तिदृष्टिः अभावकृत्कर्मा
तन्न संकारणं ज्ञानिनां द्वयं नैरुद्यते किं करोति जानाति च तथापि अर्थात लोक आदि कारणों से बंध नहीं कहा, राग आदि से ही बंध कहा है, तथापि ज्ञानियों को निरर्गल प्रवर्तना योग्य नहीं है। कोई भी ज्ञानी यद्यपि आत्मा के आसपास जो बहुत से भाव पड़े हैं, बहुत सी चीजें पड़ी हैं, उनसे बंध न होने पर भी और केवल राग से ही बंध होने पर भी कोई यह माने कि बंध तो राग से होता है, दूसरे को मारने से नहीं, दूसरे की हिंसा से नहीं, क्योंकि मरता ही नहीं तो बंध कहाँ से होगा, हिंसा ही नहीं थी, बंध कब हो, हिंसा हो तब बंध हो, और हिंसा तो उसके मारने को कहते हैं, तो मारता है जी, तो मारता तो है ही नहीं, तो हिंसा कहाँ से हुई फिर, हिंसा तो हुई नहीं, तो फिर मारने में क्या दोष। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि हिंसा के लिए आचार्य ने खुली छूट दी है। ज्ञानी निरर्गल नहीं होते, अनर्गल नहीं होते, स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं करते, कोई जीव मरता नहीं है तो फिर उसे मारा जाए, ऐसी भयंकर हिंसा में ज्ञानी प्रवृत्ति नहीं करते। क्या प्रवृत्ति करते हैं, ये मरता ही नहीं है, मारने के विकल्प से बस हो नहीं करते, बचाने के विकल्प से बस हो, ये बचता नहीं है तो बचाने का विकल्प अत्यंत निरर्थक होने के कारण बचाने का विकल्प समाप्त हो, मारने का विकल्प पहले मारने का समाप्त होता है फिर बचाने का समाप्त होता है, और दोनों से ममत्व एक ही समय में टूटता है, न मारने वाला और न बचाने वाला। इसलिए ज्ञानियों को निरर्गल प्रवर्तना योग्य नहीं है, क्योंकि वह निरर्गल प्रवर्तन वास्तव में बंध का ही स्थान है। वह निरर्गल प्रवर्तन एक के द्वारा दूसरे का वध होता ही नहीं है, ऐसा निश्चय नहीं का कथन, ऐसा कथन, ऐसा अनुभव, ऐसा ज्ञान, उसका नाम निश्चय नहीं। व्यवहार ने क्या बोला कि नहीं एक से दूसरे का वध होता है, ये कौन बोला, कौन बोला व्यवहार ने? निश्चय ने क्या बोलता है, एक से दूसरे का वध होता नहीं है, तो व्यवहार ने निश्चय ने का विरोध कर दिया कि नहीं, तो निश्चय ने की बात झूठी होगी कि नहीं, झूठी हुई नहीं होती, तो व्यवहार ने ऐसा क्यों बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि एक जीव दूसरे जीव को मारता नहीं है, एक जीव दूसरे जीव को मारता भी है, इसलिए नहीं मारना चाहिए, तो कौन बोला, व्यवहार ने बोला। तो निश्चय ने का क्या हुआ, निश्चय ने तो अपनी जगह ज्योंका त्यों अटिक रहा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा, तो फिर ये अंतर डाल तो दिया व्यवहार ने कि नहीं नहीं मारता भी है, मारता भी है इसलिए नहीं मारना चाहिए, ऐसा बोला ना व्यवहार ने। निर्गल प्रवर्तन का क्या अर्थ है, यद्यपि एक जीव का दूसरे जीव से घात नहीं होता तो भी जीव को निर्गल प्रवृत्ति अर्थात मारूं जो मरता ही नहीं है तो फिर इस मारने से बंद होगा ही नहीं, हिंसा ही नहीं होगी, ये मरेगा ही नहीं तो हिंसा कहां से होगी, इसलिए पुनः पुनः मारने के भाव को प्रोत्साहित करना ऐसी निरर्गल प्रवृत्ति उचित नहीं है। इसलिए व्यवहार में ये कहता है कि जीव एक जीव दूसरे जीव के द्वारा मरता भी है, आत्मा शरीर न्यारे न्यारे हैं ऐसा निश्चय ने कहता है, नहीं कहता है, व्यवहार ने क्या कहता है कि नहीं नहीं एक जीव है, आत्मा और शरीर एक जीव, शरीर आत्मा भी है और आत्मा शरीर भी है, आत्मा को शरीरी भी कहते हैं, शरीरधारियों को ऐसा कथन आता है, शरीरधारियों को हिंसा नहीं करना चाहिए, शरीरधारी मैंने कौन, आत्मा। व्यवहार मैंने कहा कि नहीं नहीं एक जीव के द्वारा दूसरा जीव मरता भी है,
इसलिए हिंसा नहीं करना, इसलिए मारने का भाव और मारने की क्रिया नहीं करना। सुनता वो आप तो इनकार कर रहे हो, निश्चय में उथल पुथल नहीं हो जाएगी। एक जीव दूसरे जीव के द्वारा मरता ही नहीं है, और अब आप कहते हो कि नहीं नहीं मरता भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मरता, मरता भी है। क्योंकि वो कैसे मरता है, इसका अर्थ क्या है, उसको कहेंगे। ज्ञानियों के वांछा रहित कर्म होता है वह बंध का कारण नहीं कहा है, क्योंकि जानता भी है और करता भी है, ये दोनों क्रियाएं क्या विरोध रूप नहीं है। ज्ञानी होते हैं उनका जो कर्म है वो वांछा रहित, अर्थात कर्म तो होता है लेकिन मैं इस कर्म को करता हूँ, मैं इस कार्य को करता हूँ, ऐसी मिथ्या बुद्धि ज्ञानियों को नहीं होती है। और अज्ञानी जो निरर्गल प्रवृत्ति करते हैं, उपदेश तो ज्ञानी के लिए कहा कि ज्ञानी को निरर्गल प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, पर वास्तव में तो अज्ञानी निरर्गल प्रवृत्ति करते हैं।